तो सेठ जी को तो लगन थी कि भागवत कराना है, करना नहीं है, भागवत कराना है और क्षमा करना। अगर कथा का व्यापार हमने किया है तो कथा, यदि कथा को बेचने का व्यापार हमने किया है तो खरीदने की साझेदारी आप लोगों की भी है उसमें। धर्म को व्यापार बनाने में आपका मेरा बराबर का हिस्सा है, इसलिए इसके दुष्परिणामों को भी आप और मैं मिलकर भोगने के लिए प्रस्तुत रहें। किसने कहा आपसे, किसने आपको ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि आपको जीवन में भागवत कराना ही है, छल बल करके कमाइए और फिर भागवत कराइए, किसने कहा आपसे? हो सके तो अपने घर में एक एक दीपक जलाकर सन्मुख अपने प्रभु को विराजमान करके आप पढ़िए भागवत, अपने मन को सुनाइए, अपने प्रभु को सुनाइए, आपके मन में प्रकाश होगा, आपको किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं। और मैं संदेश देकर जाना चाहूंगा आप सबके माध्यम से, हो सके तो सहयोग करना मेरा, मेरी बात पहुंचाना जहां तक पहुंचा सको। कि आज भी हम लोगों के घर में ऐसी परंपरा है कि घर के किसी भी कोने में कैसी भी चर्चा, कैसी भी चेष्टा होती हो, लेकिन हम प्रयास करके अपने घर के मंदिर को पवित्र रखते हैं। घर का एक कोना जिसे आप और मैं मंदिर कहते हैं, वहां आज भी हम कोई संसार की चर्चा या चेष्टा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मंदिर है। ऐसे ही इस संसार रूपी घर में धर्म मंदिर है, उसे अपवित्र मत करिए, उसे व्यापार मत होने दीजिए। किसी ने कथा बेची और किसी ने खरीदी और चल निकला व्यापार, और किसी को लगा कि यह धर्म का प्रचार हो गया, किसी को लगा कि इससे धर्म का उत्कर्ष हो गया। हजार बुझे हुए दीपक मिलकर भी आपको एक पग आगे बढ़ने का प्रकाश नहीं दे सकते। इसीलिए कबीर कहता है, अरे तू कहता पोथिन की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। कोई एक जगह हुआ चाहिए जो जगह दे किसी को।